हिंदू राष्ट्र को लेकर आजकल खूब बवाल मचा हुआ, ये मुद्दा खूब छाया हुआ है। ऐसे में एबीपी के शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। पहले सीएम योगी का ये बयान सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दृष्टि से। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर योगी जी, अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान धरती का बोझ है, उसे भारत में मिल जाना चाहिए। ये बयान सुनिए। श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। इतने जितनी जल्दी वह भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे वही देश के हित में, उनके हित में होगा। ये तो अखंड नारा का, अखंड भारत का नारा बुलंद कर, अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। तो सीएम योगी ने एबीपी नेटवर्क पर जो कुछ बातें कही हैं उस पर यूपी की सियासत गरमाई हुई। लोग अपने अपने हिसाब से इस बयान के मायने निकाल रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से इस बयान का मतलब क्या है, इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें बताइएगा।